हेलो फ्रेंड, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए और साथ ही दोस्तों एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल फ्री स्टडी फॉर यू में जाके पढ़ सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, कांकेर घाटी नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जगदलपुर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा कांकेर घाटी नेशनल पार्क। कांकेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ कांकेर घाटी की 14 किलोमीटर लंबी तराई में स्थित है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कांकेर घाटी नेशनल पार्क भारत के सर्वाधिक सुंदर और मनोहारी नेशनल पार्कों में से एक है दोस्तों। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी समृद्ध और जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। कांकेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया दोस्तों, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों बस्तर में है कांकेर घाटी नेशनल पार्क। तो बस्तर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ की इमेज में अपना बस्तर। बस्तर की स्थापना 1948, मुख्यालय जगदलपुर। जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो इंद्रा नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा, उद्गम रामपुर थामूर मांगेर पहाड़ी के बीचों बीच से यहाँ निकला है दोस्तों। बस्तर को सालों का द्वीप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट, इंद्रावती नदी, तीरथगढ़, मोहंगा बहार नदी। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, सबसे छोटा पहाड़ी मैना को यहीं संरक्षण किया जाता है दोस्तों। भैंसा धाम मगरमच्छ प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर चौराहों का सरर शहर रुद्र प्रताप देव काकती वंश द्वारा बसाया गया था दोस्तों। दलपत सागर तालाब प्रदेशों के सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार। गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। खनिज हीरा बॉक्साइट अभ्रक ये सब पाए जाते हैं दोस्तों बस्तर में मुख्य खनिज के रूप में। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में लर्न जाति म्यूजियम जगदलपुर में स्थित है। 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर को दोस्तों आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलिफेंट रिजर्व किस वर्ष में गठन किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2011 में तमोरा पिंगला और सेमर स्रोत दोनों सरगुजा सर्कल और बादल खोल रामगढ़ सर्कल में एलिफेंट रिजर्व में का गठन किया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 आईपीएस अधिकारियों को बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सीएसपी बनाया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर में 3 आईपीएस अधिकारियों को सीएसपी बनाया गया।
अंकिता शर्मा को कोतवाली की कमान दी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर आईपीएस अंकिता शर्मा को कोतवाली का नया सीएसपी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त दो आईपीएस अफसरों को सीएसपी पद की कमान सौंप दी गई है। सभी अफसर हैदराबाद की पुलिस अकादमी से दूसरे चरण की ट्रेनिंग पूरी कर लौटे हैं। रायपुर एसएसपी और डीआईजी अजय यादव की ओर से जारी किए गए आदेश में आईपीएस अध्यक्ष अक्षय कुमार को उरला और आईपीएस अंजनेय वाणिज्य को आजाद चौक थाने का सीएसपी बनाया गया है। तीनों अफसरों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि सभी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई है। तो इन लोग दोस्तों आईपीएस हैं दोस्तों, जिसे अभी सीएसपी में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन लोग हैदराबाद पुलिस अकादमी से दूसरी चरण की ट्रेनिंग को पूरी कर लौटे हैं। दोस्तों तो अब रायपुर की बात आई है दोस्तों, तो अब रायपुर के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप में ए रहा दोस्तों अपना रायपुर। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, इसका मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो खारून नदी के किनारे में बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1962 में रायपुर छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम और प्रथम नगर निगम बनाया गया। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र उल्ला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र ट्राइपोड। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर में है। भानपुरी अपरेल पार्क, राव भाटा मेटल पार्क सब कहाँ है दोस्तों? रायपुर में है। तिलदा राइस कॉम्प्लेक्स पॉली पार्क, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें यहीं स्थित हैं। दोस्तों अटल नगर नया रायपुर, कुबेर भाटा और राखी गांव, जेम्स फॉर जेरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEJ कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर में है। आईटी पार्क IIT स्थित है। जंगल सफारी मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों प्रमुख संस्थान NIT रायपुर, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर, मैट्स विश्वविद्यालय कुल्लू आरंग, पुरखौती मुक्तगण राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास, चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर भारत का एकमात्र है, हटकेश्वर मंदिर रायपुर खारून नदी के तट पर बसा है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो दोस्तों, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।